Now we'll talk about different types of motion. अगला टॉपिक आपका है different types of motion, जिसमें आप चार टाइप्स पढ़ेंगे. पहला आपका है स्ट्रेट लाइन या कहिए लीनियर मोशन. दूसरा आपका है सर्कुलर मोशन. तीसरा आपका है रोटेशनल मोशन. और फोर्थ आपका लास्ट है वाइब्रेटरी मोशन. बच्चों ये चीज आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अधिकतर मैं जो टॉपिक्स लिखता हूँ मैं इंग्लिश में लिखता हूँ. ये इसलिए लिखता हूँ क्योंकि बुक में आपका हिंदी में दिया हुआ है और इंग्लिश में दिया हुआ है. और आगे के लिए आपको इंग्लिश पे ही ज़्यादा जोर देना है तो आप दोनों जानिए, हिंदी भी जानिए और इंग्लिश भी जानिए. इंग्लिश हमारे माध्यम से जानिए कि स्ट्रेट मोशन या लीनियर मोशन. उसका हिंदी में आप देखेंगे बुक में रेखीय गति, इसको कहते हैं आपको रेखीय गति. इसी तरह सर्कुलर मोशन, इसका भी हिंदी, सब हिंदी आपके बुक में दिया हुआ है तो आप घबराएंगे नहीं. तो एक एक करके समझाएगा कि स्ट्रेट मोशन है क्या. तो स्ट्रेट मोशन मतलब स्ट्रेट मतलब सीधा. तो इसका मतलब क्या होगा, कोई भी जब कोई वस्तु सीधे सीधे पथ पर या सीधे रास्ते पर जब यात्रा करती है या चलती है तो उसे कहते हैं स्ट्रेट मोशन. क्या कहते हैं, स्ट्रेट मोशन. क्या लिखेंगे इसमें, डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट पाथ. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट पाथ, जब कोई भी वस्तु सीधे रास्ते पर चलती है तो उसे कहेंगे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट मोशन, रेखीय गति. जैसे ढेर सारे एग्जाम्पल आपका सड़क, यदि आप सड़क पे चल रहे हैं तो आप सीधे सीधे चलेंगे तो आपका एग्जाम्पल हो गया वैन, चाहे जो भी व्हीकल्स हैं ये आपके किस में आएंगे, स्ट्रेट मोशन में आएंगे. ठीक, तो आपका एग्जाम्पल इस तरह ला सकते हैं. स्ट्रेट मान लिया आपका सड़क है और इस पर कोई भी व्यक्ति चल रहा है, कोई व्यक्ति चल रहा है तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रेट मोशन. क्या हो जाएगा, स्ट्रेट मोशन. दूसरा आपका है सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन किसे कहेंगे, जब कोई वस्तु मूव करती है या चलती है किस पथ पर, सर्कुलर पथ, वृत्तीय पथ पर जब चलती है तो उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन. तो यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं आप, व्हेन an object moves in circular path, जब कोई वस्तु सर्कुलर पथ वृत्तीय पथ पर जब कोई वस्तु चलती है तो उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन. फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो आप लोग स्टेडियम देखे होंगे, तो मान लिया आपका एक स्टेडियम है. ठीक, वो स्टेडियम में आप लोग देखते हैं टीम जो आपका मान लिए कोई भी खिलाड़ी है, ठीक, कोई भी फील्डर है, वो अगर मान लिए सर्कुलर पाथ पर अगर वो चल रहा है तो इसको क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे. क्या कहेंगे, सर्कुलर. मान लीजिए यहाँ से कोई भी वस्तु यहाँ से दौड़ रहा है, ऐसे दौड़ रहा है तो वो सर्कुलर पाथ पर दौड़ रहा है तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. उसके बाद तीसरा आपका रोटेशनल मोशन. तो रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है. तो रोटेशनल मोशन किसे कहेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट their own center or axis. इसको समझा रोटेशनल मोशन किसे कहेंगे, जब कोई वस्तु चलती है अबाउट their own center, अपने ही सेंटर पर अगर चलती है, अपना सेंटर खुद लेकर अगर वो चल रही है, मूव कर रही है तो वो रोटेशनल मोशन कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल आप फैन ले लीजिए,
फैन अगर देख रहे हैं आप, तो फैन जो है आप, जो आपका सेंटर फैन, मान लीजिए आपका इस तरह का फैन है और तीन पत्तियां लगी हुई है, ठीक, तो ये अपने सेंटर पे ही रोटेट कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है, अपने अपना सेंटर लेकर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो दैट इज रोटेशनल मोशन। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैं आगे पीछे हो रहा हूँ, आगे पीछे इधर उधर, तो अपने मेरा जो मेन है जो सेंटर है वो फिक्स है और अपने सेंटर से मैं मूव कर रहा हूँ इधर उधर, तो दैट इज रोटेशनल मोशन। और सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि यहाँ पे सेंटर नहीं लगा जाता, सेंटर यहाँ सेंटर से कोई मतलब, ये जो है सर्कुलर पाथ पर्सन जो है मूव करेगा, तो दैट इज सर्कुलर मोशन और आपका रोटेशन। तो रोटेशनल में सिर्फ ध्यान देना है कि उसका जो सेंटर, सेंटर को लेके चलना है, सेंटर कहीं या एक्सिस को लेके चल कहीं, तो जब कोई वस्तु जो है सेंटर या एक्सिस पर, अपने सेंटर या एक्सिस पर मूव करता है तो उसको कहेंगे रोटेशनल मोशन। और लास्ट आपका है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन मतलब कंपन कर, जैसे कोई वस्तु मान लीजिए कंपन कर रहा है, कंपन मतलब, कंपन का मतलब होता है मान लीजिए कोई भी वस्तु है और वो आगे पीछे ऐसे आगे पीछे गति करता है, तो उसको कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। जैसे एग्जाम्पल आपका जैसे मोबाइल हो गया, जब मोबाइल पे जब वाइब्रेट रखे रहते हैं मोबाइल, तब कॉल आता है तो मोबाइल जो है आगे पीछे गति करता है, ठीक, तो दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। क्या आपका है वाइब्रिया, हम जैसे कंपन का रहे हैं तो दैट इज वाइब्रेटरी मोशन, अपने ही मेन पोजिशन पे क्या कर रहे हैं वाइब्रेट कर रहे हैं, दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। सो दीज फोर टाइप्स ऑफ मोशन हैं जो है आप अध्ययन किए, स्टेट मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। एंड लास्ट में एक चीज आप देखेंगे, ये तो अलग अलग हो गए, स्टेट मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। कभी कभी क्या होता है कंपनी कोई भी वस्तु कंबाइन करके गति करता है, जैसे सर्कुलर भी होगा और स्ट्रेट भी होगा, फॉर एग्जाम्पल देखा जाएगा तो अर्थ को लिया जाएगा, इसको लिया जाए अर्थ, तो अर्थ जो है दोनों तरह का गति करता है, सर्कुलर भी करता है और सॉरी स्ट्रेट नहीं करेगा, सर्कुलर और रोटेशनल, सर्कुलर और रोटेशनल दोनों करता है, कौन अर्थ, अर्थ जो है सर्कुलर मोशन भी करता है और कौन सा रोटेशनल, जैसे समझा जाए इसको, तो मान लीजिए अर्थ, यदि अर्थ अपने सेंटर पर, अपने सेंटर पर गति करेगा, यदि अर्थ अपने सेंटर पर गति करेगा तो दैट इज रोटेशनल मोशन, और जब अपने सेंटर पर गति करेगा तो डे और नाइट होता है, क्या होता है दिन और रात, उसी के कारण दिन और रात होता है, इसी का रोटेशनल मोशन के कारण, अर्थ के रोटेशनल मोशन के कारण दिन और रात होता है। और सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया जो अर्थ है आपका वो सूर्य का चक्कर लगाता है, इसका चक्कर लगाता है सूर्य का, तो वो सर्कल के रूप में चक्कर लगाता है, अपने सेंटर को छोड़ देता है, तो दैट इज सर्कुलर मोशन। और उसके कारण क्या होता है गर्मी, बरसात, ठंडक, जैसे जब सूर्य के नजदीक आएगा तो आपका क्या होगा ग्रीष्म पड़ेगा, तो ये अर्थ जो है कंबाइन होता है सर्कुलर का भी और रोटेशनल का। सो ये आप पढ़ चुके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, अगले वीडियो में दूसरे चीजों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।